सभी को सुप्रभात। तो बच्चों, आज की हिंदी अवधि में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कल की अवधि में हमने देखा था जोड़ाक्षर अभ्यास दो, जोड़ाक्षर अभ्यास पार्ट दो के बारे में हमने क्या किया था, चर्चा किया था। तो अभ्यास कार्य को हमने देखा था पढ़िए और लिखिए, उनको हमने चर्चा किया था, वाक्यों का अर्थ समझते हुए वाक्यों को पढ़ते हुए हमने क्या किया था, लिखा था। उसके साथ हमने प्रश्न दो में देखा था रिक्त स्थान भरिए, उचित शब्द से रिक्त स्थान भरने के बारे में हमने, फिल इन द ब्लैंक्स भरने के बारे में भी हमने चर्चा किया था। तो प्रश्न तीन में हमने देखा था दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो प्रश्नोत्तर को भी हमने क्या किया था, कल की अवधि में चर्चा किया था। तो आप लोगों को खाली स्थान भरने के बारे में और प्रश्नों के उत्तर लिखने के बारे में आपने समझा था और लिखा था। तो चलिए आज हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रश्न चार। तो सभी लोग पहले क्या कीजिए, अपने टेक्स्ट बुक निकालिए, जोड़ाक्षर अभ्यास दो। तो पेज नंबर 11, पेज नंबर 11, प्रश्न चार है निम्नलिखित शब्द वर्ण क्रमानुसार लिखिए। तो प्रश्न चार क्या है, हमें क्या करना है, राइट दी फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो वहां पर शब्द दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से क्रम अनुसार वर्ण क्रम अनुसार हमें क्या करना है, शब्दों को लिखना है। तो चलिए प्रश्न चार के प्रश्न को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न चार, प्रश्न क्या है हमारा, देखिए सभी लोग अपने टेक्स्ट बुक में ध्यान से, प्रश्न चार लिखिए। तो चलिए क्या करते हैं, क्रम के अनुसार हम क्या करेंगे, शब्दों को लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपको शब्द दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में, देखिए सभी लोग पढ़िए शब्दों को। पहला शब्द है फूल, दूसरा है बाहर, तीसरा है माँ और चौथा है पाठशाला। तो इन शब्दों को हमें क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखना है, वर्ण क्रमानुसार हमें क्या करना है, लिखना है। तो चलिए लिखते हैं शब्दों को। तो पहला शब्द दिया गया है फूल,
हैं, स्वरों को, अक्षरों को हम देखते हैं, वर्णों को। तो चलिए, अ अक्षर से कोई शब्द दिया गया है? नहीं दिया गया है। आ से भी नहीं, ई से भी नहीं, ऊ से भी नहीं। तो किस अक्षर से शब्द को दिया गया है? पहले हमें क्या करना है? उस अक्षर को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए, किस वर्ण से शब्द आरंभ हुआ है? तो त से नहीं, च से नहीं, क से नहीं, क क ग ग न से भी नहीं है, च च ज ज न से भी नहीं है, त त ध ध न से भी नहीं है, त ट ढ ढ न से भी नहीं है। तो कहाँ से आरंभ हुआ है? देखिए, प फ से आरंभ हुए हैं कष्ट। वेरी गुड। तो प से क्या हुआ है? शब्द वहां पर दिया गया है। तो प से शब्द क्या है? पाठशाला। तो हमने देखा क वर्ग में भी कौन से क शब्द से कौन सा भी शब्द आरंभ नहीं दिया गया है। तो च वर्ग में हमने देखा च च झ झ ज्ञा, च से भी कौन सा शब्द को लिखा नहीं गया है, वहां पर प्रश्न में नहीं दिया गया है। तो आगे बढ़कर हमने देखा त और ट वर्ग को, वहां पर भी कौन सा शब्द त से या च से बड़े छ से झ से शब्द आरंभ नहीं है। तो हम फिर पहुंचे प वर्ग, प प भ भ म। तो प अक्षर से क्या हुआ है? शब्द आरंभ हुआ है ना, पाठशाला। तो प से आरंभ हो रहा है ना, पाठशाला। तो चलिए अगला वर्ण क्रमानुसार शब्द को वर्ण को देखते हैं। तो देखिए, प के बाद ह, फूल शब्द दिया गया है। क के बाद ह, फूल। तो प के बाद हमारा वर्ण आता है, वर्ण के अनुसार हमें लिखना है ना। ओ ह, वर्ण क्रम अनुसार हम क्या कर रहे हैं? शब्दों को लिख रहे हैं। तो प अक्षर आता है ब, भ के बाद भ। तो देखिए, शब्द दिए हैं। वेरी गुड। तो तीसरा हमारा शब्द है वाहन। तो तीसरा शब्द है वाहन। तो वर्ण क्रमानुसार प फ भ। शब्द क्या है हमारा? वाहन शब्द दिया गया है। समझ में आ रहा है ना? निम्नलिखित शब्द क्रम अनुसार वर्ण क्रमानुसार लिखिए। तो वर्णमाला के आरंभ अनुक्रम से शब्दों को हम क्या करना है? हमें लिखना है। तो समझ में आ रहा है ना, कैसे वर्ण क्रमानुसार हमें लिखना है? वर्ण क्रम को हमने देखा क से, च से, ट से, त से, कौन से भी शब्द का आरंभ हमने वहां पर नहीं देखा। तो हमने अगले वर्ग में चले गए, प भ भ भ म वर्ग में हमने देखा प से हमारा शब्द क्या था? पाठशाला। तो पहले हमने क्या लिखा? पाठशाला।
शब्द वर्ण क्रमान सा लिखिए। तो समझ में आ गए आपको शब्दों को, सभी शब्दों को क्या किया है, अलग अलग उलट उलट करके दिया गया है। तो हमें क्रम अनुसार क्या करना है, लिखना है। तो हमने प वर्ग में देखा, प वर्ग से शब्द क्या हुए, आरंभ हुए हैं। तो प प से हमने शब्द को देखा पाठशाला। तो अगला अक्षर वर्ण है लिखा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हमने क्या किया, शब्दों को हमने लिखा। तो समझ में आ रहा है आपको वर्ण क्रमानुसार शब्दों को कैसे लिखना है। तो बच्चों वर्ण क्रमानुसार लिखने के बारे में आपको समझ में आ गया है ना। तो पहला है शब्द पाठशाला, तो दूसरा शब्द है फूल, तीसरा शब्द है बाहर, तो चौथा आखिरी शब्द है माँ। तो हमने वर्ण क्रमानुसार क्या किया, शब्दों को लिखने के बारे में हमने जाना। तो समझ में आ गया ना बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल की अवधि में हमने देखा था प्रश्न एक, सभी लोग ध्यान से अपना टेक्स्ट बुक देखिए, पेज नंबर 11। मेरे साथ साथ क्या कीजिए, और एक बार पढ़िए पढ़िए और लिखिए। प्रश्न एक में क्या है, रीड एंड राइट। तो सेंटेंसों को क्या कीजिए, मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए। पहला है स्नेहलता मेरी दुश्मन नहीं सहेली है। तो दूसरा वाक्य को दोहराइए, पढ़िए। वेरी गुड। ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर का ध्यान करो। तो तीसरे वाक्य को पढ़िए। वेरी गुड। दीपावली के दिन लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं। तो चौथा वाक्य ध्यान से सुनिए। इस पुस्तक से मन प्रसन्न हो जाता है। तो वाक्यों को हमें क्या करना है, पढ़ते हुए लिखना है। तो कल की अवधि में चर्चा किया था, आज और एक बार हम क्या कर रहे हैं, उनको दोहरा रहे हैं, पुनरावर्तन कर रहे हैं। तो प्रश्न दो क्या है, देखिए पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो पाठ में आए हुए उचित शब्दों को हमें क्या करना है, खाली स्थान में भरना है। तो पहला है फूल को डैश भी कहते हैं। तो उत्तर दीजिए, कल हमने खाली स्थान में सही शब्द, उचित शब्द को हमने भरा था। वेरी गुड, फूल। तो हमने शब्द भरा था वहां पर पुष्प। फूल का और एक नाम होता है पुष्प, हमने
देखा था। समानार्थी शब्द भी हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं फूल पुष्प, दोनों क्या है एक ही अर्थ देते हैं, फूल को हम पुष्प भी कहते हैं। तो दूसरा है विद्या पुस्तक लेकर ब्लैंक जाएगी, तो उत्तर दीजिए विद्या पुस्तक लेकर ब्लैंक, खाली स्थान में हमें उचित शब्द भरना था, हमने भरा था, वेरी गुड, पाठशाला। तो विद्या पुस्तक लेकर पाठशाला जाएगी, तो उचित शब्द क्या था हमारा, रिक्त स्थान में हमने शब्द भरा था पाठशाला। तो चलिए तीसरा देखते हैं, श्वेता ब्लैंक का डिब्बा खुला मत छोड़ो, वेरी गुड, आप लोगों ने सही उचित शब्द आप लोगों ने बताया। सब्जी तो हमारा रिक्त स्थान में भरने वाला शब्द था सब्जी, श्वेता सब्जी का डिब्बा खुला मत छोड़ो। तो प्रश्न तीन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ तो उत्तर दीजिए, श्वेता ने क्यारी में क्या लगाया है, तो उत्तर दीजिए श्वेता ने क्यारी में क्या लगाया है, वेरी गुड, आप लोगों ने सही उत्तर दिया, श्वेता ने क्यारी में फूल लगाए हैं, या श्वेता ने क्यारी में फूल लगाया है, तो आप लोगों ने सही उत्तर दिया। तो और एक दूसरा प्रश्न मैं पूछती हूँ, उसका भी उत्तर क्या कीजिए आप लोग दीजिए, विद्या के बस्ते में क्या है, उत्तर दीजिए, वेरी गुड, आपने सही उत्तर दिया, विद्या के बस्ते में पुस्तक है। तो हमने कल के अवधि में प्रश्नोत्तर और खाली स्थानों को भरा था, उनके बारे में चर्चा किया था। सिर्फ आप लोगों को क्या नहीं करना है, लिख कर रख देना नहीं है, क्या करना है उनको पढ़ते रहना है, बार बार पढ़ोगे तो आपको क्या होंगे उत्तर याद में रहेंगे। तो ध्यान से क्या करना है आपको, सिर्फ लिखना ही नहीं, बार बार उनको क्या करना है, प्रश्नोत्तर को शब्दों को क्या करना है पढ़ना है। तो समझ में आ गया ना, तो आज ये उपाय मिलेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न चार, निम्नलिखित शब्द वर्ण क्रमानुसार लिखिए, तो वर्ण क्रमानुसार हमने शब्दों को क्या किया लिखा। तो ध्यान से क्या करना है, सिर्फ लिखना ही नहीं हमें क्या करना है, साथ साथ पढ़ते भी रहना है, बार बार हम पढ़ते रहेंगे लिखेंगे तो हमें प्रश्न उत्तर क्या होंगे परफेक्ट हो जाएंगे, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो हमने जोड़ाक्षर अभ्यास कार्य दो के बारे में हमने क्या किया, स्व अध्याय अभ्यास कार्य को भी हमने समाप्त किया। तो ध्यान से क्या कीजिए, जोड़ाक्षर अभ्यास एक और दो, दोनों को क्या करना है और पढ़ते रहना है, सिर्फ लिख कर खत्म हो गया हमारा काम, ऐसे नहीं करना है, क्या करते रहना है पढ़ते रहना है, पढ़कर उन्हें याद रखना है। तो चलिए आज के अवधि में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 ओपन कीजिए सभी लोग, जोड़ाक्षर अभ्यास तीन। तो जोड़ाक्षर अभ्यास तीन को क्या करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज हम सीखेंगे जोड़ाक्षर अभ्यास तीन।
जोड़ाक्षर अभ्यास अभ्यास तीन। तो एक और दो अभ्यास कार्य को हमने क्या किया, जोड़ाक्षर अभ्यास कार्य को हमने समाप्त किया है। तो आज के अवधि में हम क्या करेंगे, जोड़ाक्षर अभ्यास तीन के अभ्यास को हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सभी लोगों ने अपना टेक्स्ट बुक पास में रखा है, तो ध्यान से टेक्स्ट बुक में देखिए। मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, कुछ शब्द लिखती हूँ, तो ध्यान से क्या कीजिए, उनको देखिए और मेरी बात सुनिए। दूसरे अक्षर पर मैंने क्या किया,
शब्द हमने शब्दों को पढ़ा था, तो अर्थपूर्ण शब्द हमने क्या किया, र के रेफ को लगाकर हमने क्या किया, शब्दों को और एक बार पढ़ा। तो कम से क्या हो गया, कर्म। ग से हो गया गर्व। सब से हो गया सर। मीज से हो गया मेज। तो इसको हम क्या कहते हैं, र का रेफ रो। तो इस सिंबल को हमें क्या करना है, ध्यान से याद रखना है। और इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, पहले अक्षर पर नहीं करते हैं, दूसरे अक्षर तीसरे अक्षर ऐसे क्या करते हैं, आगे के अक्षरों पे इसका इस्तेमाल हम करते हैं। कभी भी हम पहले अक्षर पर इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसे हमें क्या करना है, याद रखना है। अगर मैंने यहाँ पर र के रेफ को लिखा तो क्या होता है, यह गलत होता है। तो उच्चारण करने आता है कि देखिए, उच्चारण कीजिए, पहले र के रेफ र को हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर लगाना क्या है, गलत होता है। ये कहाँ पर लगता है, दूसरे अक्षर पर या तीसरे अक्षर चौथे अक्षर पर इसका इस्तेमाल करते हैं, मगर पहले अक्षर पर इसका इस्तेमाल नहीं करते। इस बात का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, म दूसरे अक्षर पर हमने रेफ का इस्तेमाल किया, तो शब्द बन गया कर्म। तो इस रूप को हमें जोड़ाक्षर शब्दों में इस्तेमाल करते हैं। तो तीसरे जोड़ाक्षर अभ्यास तीन में हम क्या करते हैं, र के रेफ के शब्दों को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। एक और दो जोड़ाक्षर अभ्यास में हमने देखा था, व्यंजन अक्षर मिलकर क्या हुए थे, व्यंजन बने थे। तो यहाँ पर क्या होता है, रेफ की सहायता लेकर शब्द क्या होते हैं, रचित होते हैं। तो हमें र के रेफ में क्या याद रखना है, अक्षर के दूसरे अक्षर पर ही इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सार्थक शब्द बन जाते हैं। तो पहले हमने देखा था शब्दों को, समझ में आ रहा है ना, पहला बिना रेफ के शब्द को हमने पढ़ा था कम। तो र के रेफ को जब हम लगाया तो उच्चारण क्या हो गया, बदल गया ना, कम से क्या हो गया, वह कर्म। तो क के बाद हम क्या करते हैं, र का उच्चारण करते हैं, उच्चारण कीजिए कर्म। तो पहले र उच्चारण करते हैं, बाद में क्या करते हैं, म को कहते हैं कर्म। वैसे ही गर्व, ग के बाद र आकर वो आता है गर्व। सब तक र का रेफ लगा दिया तो शब्द बन गया सर। तो शब्द को समझ में आ रहा है ना, तो र का रेफ रूप हम इसको कहते हैं। तो इस बात को हमें याद रखना है, र का रेफ को हम कहाँ पर लगाते हैं, वेरी गुड, दूसरे अक्षर पर हम क्या करते हैं, दूसरे तीसरे चौथे अक्षर पर इस्तेमाल करते हैं, मगर पहले अक्षर पर इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। इस बात को हम क्या करना है, याद रखना है। तो चलिए आज की अवधि में जोड़ाक्षर अभ्यास तीन उस भाग में हम क्या करेंगे, शब्दार्थों को और कुछ रेफ के शब्दों को क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए शब्दार्थ में हम देखते हैं आज की अवधि में, तो पहला शब्द है सर। तो पहला शब्द हमारा है
तो दूसरा है मिर्च, तीसरा है दर्द, तो चौथा है मुर्गा, मुर्गा या मुर्गा, मुर्गा भी कहते हैं, मुर्गा भी हम क्या कहते हैं, प्रोनंसिएशन करते हैं। तो सर अंग्रेजी में इसको हम क्या कहते हैं, स्नेक, यस एन ए के ई, स्नेक। तो सर को हम क्या करें अंग्रेजी में, स्नेक। मिर्च चिल्ली, सी एच आई डबल एल आर, चिल्ली। तो मिर्च को क्या कहते हैं, चिल्ली। दर्द पेन, पी ए आई एन पेन, दर्द। अगला है मुर्गा, कॉक, सी ओ सी के, कॉक मुर्गा। तो चलिए और कुछ शब्दों को क्या करेंगे, जानेंगे। स्वर्ग, रक्षा। स्वर्ग का अर्थ है अंग्रेजी में हेवन, एच ई ए वी ई एन, स्वर्ग का अर्थ है अंग्रेजी में हवन। तो हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर्ग। तो चलिए रक्षा, प्रोटेक्शन, पी आर ओ टी ई सी टी आई एन, प्रोटेक्शन, सेफगार्ड भी हम कहते हैं। तो रक्षा को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन। तो स्वर्ग को हम क्या कहते हैं, हेवन। तो चलिए और कुछ शब्दों को क्या करेंगे, जानेंगे।
तीन में हम क्या कर रहे हैं, शब्दार्थों को आज के अवधि में हमने जाना। तो हमने देखा जो दूसरे अक्षर पर जो सिंबल हमने लिखा है उसे हम क्या कहते हैं, र का रेफ रू। तो इसको क्या कहते हैं, याद में रखना है र का रेफ रू। तो सर्प, तो सर्प को क्या कहते हैं, मिर्च। र का रेफ रूप हमने क्या किया, अक्षर के दूसरे अक्षर पर हमने क्या किया, सिर के ऊपर र का रेफ हमने लगाया, तो शब्द बन गया मिर्च। चिल्ले, दर्द, तो र का रेफ रूप हमने लगाया। तो पेन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पेन। मुर्गा, तो गा, गा के ऊपर हमने क्या किया, र का रेफ हमने लगाया, तो शब्द बन गया मुर्गा। अंग्रेजी में कॉक कहते हैं। स्वर्ग, तो र का रेफ हमने लगाया, तो हैवान। तो रक्षा, रक्षा का अंग्रेजी में अर्थ है प्रोटेक्शन। धर्म, रिलीजियन। गर्व, प्राउड, प्राइड भी हम कहते हैं। तो शब्दों को, शब्दों को आपने जाना ना, तो उनके अंग्रेजी अर्थ को भी हमने क्या किया, आज की अवधि में चर्चा किया। तो आपको क्या करना है, पढ़ते हुए शब्दों को लिखना है। सिर्फ लिख कर ऐसे ही नहीं रहना है, बंद कर कर किताब को रखना नहीं है, क्या करना है, बार बार पढ़ते रहना है। तो हमने जोड़ाक्षर अभ्यास दो के काल में, हमने अभ्यास काल में प्रश्न चार पांच क्या किया, आज के अवधि में हमने जाना। निम्नलिखित शब्द वर्ण क्रमानुसार लिखिए, तो हमने वर्ण क्रमानुसार क्या किया, शब्दों को लिखा। तो और हमने देखा जोड़ाक्षर अभ्यास तीन में शब्दार्थों को हमने क्या किया, आज के अवधि में चर्चा किया। तो शब्द आठ आपको समझ में आ गया है ना, तो हमने देखा जो सिर पर लगता है इसको हम क्या कहते हैं, र का रेफ रू। तो बिना र के रेफ को हमने शब्दों को उच्चार किया सफर, तो बिना रेफ के हमने देखा मिचर, दबर, मुगा, स्वगर। तो रक्षा पर हमें क्या नहीं किया है, र का रेफ नहीं लगाया है, सिर्फ शब्द लिखा है और उसका अर्थ को हमने लिखा है। तो र के रेफ लगाकर हमने उच्चारण करके देखा, सर्प, मिर्च, दर्द, मुर्गा, स्वर्ग, धर्म, गर्व। तो ग के बाद ही हम क्या करते हैं, र का उच्चारण कर कर अगले अक्षर का उच्चारण हम करते हैं। तो र के रेफ को हमें क्या करना है, याद रखना है, और वह दूसरे अक्षर पर लगता है उस बात को भी हमें क्या करना है, याद में रखना है। तो चलिए बच्चों, आज की अवधि को हम क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की अवधि में हम क्या करेंगे, आगे के अभ्यास को चर्चा करेंगे। तो आज आपका गृह कार्य है रीड एंड राइट सेम एज क्लास वर्क वन टाइम। तो क्या कीजिए, ध्यान से पढ़ते हुए लिखिए, बार बार पढ़िए। तो यहीं पर अवधि को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।